कुख्यात शराब माफिया को उत्पाद विभाग ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज जिले के जादोपुर थाना क्षेत्र के पथरा गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापामारी कर कुख्यात शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब माफिया की पहचान जादोपुर थाना क्षेत्र के पथरा गांव निवासी नगलाल यादव के पुत्र धर्मेंद्र यादव के रूप में की गई है। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल इस संदर्भ में उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि फरवरी माह में जादोपुर थाना अंतर्गत पथरा गंडक नदी के किनारे एक बैलगाड़ी जब्त की गई थी, उसपे 963 लीटर देशी शराब जब्त किया गया था। वही शराब माफिया फरार होने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम द्वारा लगातार छापामारी की जा रही थी। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर फरार अभियुक्त शराब माफिया धर्मेंद्र यादव को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि ये गंडक नदी के सहारे नाव के माध्यम से यूपी से शराब का बड़ा कारोबार करता था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। दरअसल माह फरवरी में यादवपुर थाना अंतर्गत पतहरा के पास गंडक नदी के किनारे एक बैलगाड़ी जब्त की गई थी, जिस पर 963 लीटर देसी शराब जब्त किया गया था। उसके नामजद अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार को की कल गिरफ्तारी की गई है उत्पाद विभाग द्वारा, जिसे माननीय न्यायालय के पास समक्ष पेश किया जाएगा। उस पर उत्पाद थाना कांड दर्ज है 150/24। बड़ा माफिया बताया जा रहा है। हाँ, दरअसल ये नाव के रास्ते से, नदी के रास्ते से, नाव के सहारे देसी शराब का बड़ा तस्कर माफिया है, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। आगे इस प्रक्रिया माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।